corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. छत्तीसगढ़ में सिनोवेट नामक संस्था के आंकड़ों के अनुसार 2320 लोग ऐसे पुरुष जिनका पुरुषों से यौन संबंध है वो यहाँ पे जी रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से एक विकास है और विकास के अनुसार लगभग 1000 लोग इनसे जुड़ चुके हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे पुरुष जिनका पुरुषों से यौन संबंध है किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, आइए आज जानते हैं विकास से। MSM की बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि एक MSM रहता है उसकी पहचान नहीं है। बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके बाद उसका शारीरिक शोषण होता है, जिस तरह से उसकी आइडेंटिटी नहीं होने की वजह से आगे स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी या फैमिली में भी उसको हर्ट किया जाता है कि तुम लड़कियों जैसा हो करके। संघर्ष घर से शुरू होता है। सबसे पहले तो घर में पहचान नहीं होने की वजह से घर वाले ही ये बोलते हैं कि ये गलत है, ये लड़कियों जैसे एक्टिविटी है, ऐसे एक्टिविटी मत किया करो, तो वो गलत धारणा वहीं दिमाग में ही आ जाता है। उसके बाद घर वालों के बीच में हमारी या समाज वालों के बीच में हमारी पहचान नहीं होने की वजह से फिर जो हम लोग लड़के के साथ उठते बैठते आते जाते हैं तो वही लड़के ही हमारा शारीरिक शोषण करते हैं, तो इस तरह से वो आत्मसम्मान भी चला जाता है और धीरे धीरे हम किसी लड़के के साथ अपना रिलेशन भी बनाते हैं, एक ही साथी रहे जीवन में और वो पार्टनर चुनते हैं तो वो पार्टनर भी हम लोग के साथ कुछ दूर चलने के बाद अलग हो जाता है। उसे लगता है कि परिवार और समाज के लोग उसके प्रति गलत धारणा बनाएंगे करके वो अलग हट जाता है। उसके बाद जब वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और जब मन की करना चाहता है तो फिर वो किन्नर बन जाता है, और जब ऐसे उसको बार बार हर्ट किया जाता है, उसके लिए जब घृणात्मक दृष्टि रखते हैं लोग बाग, तो फिर वो पूरी तरह से फिर नेगेटिव भी बन जाता है। जब कोई उसको पूछे या सवाल करे तो फिर उसका आक्रामक तरीके से जवाब देता है। मकान वगैरह, और मकान के बारे में ऐसा है कि कई बार जो मेरे किन्नर साथी हैं वो लोग मकान ढूंढते रह जाते हैं पर उन लोगों को मकान नहीं मिलता, और उसके बाद जैसे हमारे फैमिली में है या किसी और के फैमिली में है, पास पड़ोस या पड़ोसी या किरायेदार या रिश्तेदार को उनके आने जाने पे पाबंदी होती है। और इसी प्रकार से आज देखा जाए तो किन्नर का एजुकेशन कम होने की वजह से कहीं भी उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी काम मिले क्योंकि वो विकलांग तो है नहीं, फिजिकली फिट है, काफ़ी हद तक एजुकेशन भी ठीक है और आरक्षण भी कहीं नहीं है उनके लिए और हमारी पहचान भी नहीं है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास की तरह लगभग 5000 लोग हैं जो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। वो सवाल करते हैं कि हमारा कौन और हम किसके। ऐसे लोगों को अधिकार दिलाने में विकास एक लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार रोज़ दिन ब दिन उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। विकास के साथ लगभग 1000 लोग आज जुड़ चुके हैं जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ चौड़ी रायपुर से मैं सरवत लखवी, इंडिया अनहर्ड, वीडियो वॉलंटियर के लिए।